अच्छी लग रही हो ना? ये किस किस्म का बेहुदा लिबास पहन लिया तुमने? क्या मतलब, क्या बुराई है इस ड्रेस में? क्या अच्छाई है इस लिबास में? बुराई ही बुराई है। शाहजाद, तुमने चुनरी कितनी अच्छी पहनी हुई है। मुझे लगता है सुभान भाई ने गिफ्ट की है। हाँ, ओरिजिनल डायमंड्स हैं। तुम्हें पता है उबैद ने तुम्हें एक दफा ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इतनी ख्वाहिश की थी कि एक दिन मेरे पास पूरा सेट होगा। मुझे तो यकीन भी नहीं था। देखो, बहुत प्यार है। क्या बताऊं आपको अम्मी, एक तरफा मोहब्बत का बोझ कितना ज्यादा होता है। मेरे कंधे तो अभी से शल हो रहे हैं, पता नहीं कब तक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी। कहीं मेरा जब्त ना टूट जाए। ऐसे हम सफर के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी आंखों के सामने आप मौजूद तो हो, मगर उसके दिल और सोच पर किसी और का पहरा हो। यार ना, ये कैसी आजमाइश है। जिस इंसान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। जीशान के साथ मेरा नाम तो जुड़ गया है, मगर वो फिर भी मेरे साथ नहीं है। मोहब्बत हासिल करने के बाद भी खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ। अच्छी लग रही हो ना? ये किस किस्म का बेहुदा लिबास पहन लिया तुमने? क्या मतलब, क्या बुराई है इस ड्रेस में? क्या अच्छाई है इस लिबास में? बुराई ही बुराई है। दोबारा इस किस्म का बेहुदा लिबास पहनकर मेरे सामने मत आना। लेकिन अभी के अभी जाओ और चेंज करो। औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है और मैं खुद को बेगैरत नहीं करवाना चाहता। लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फौरन चेंज करके आओ। कितनी देर लगाती हैं आप फोन उठाने में? कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया शाजमा, सब खैरियत तो है, मूड क्यों इतना खराब है तुम्हारा? यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई, आपको मेरे मूड की पड़ी है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम, सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, बहुत बड़ी मुझसे गलती होगी, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो ये सोच के शादी की थी कि लंदन का बिजनेस मैंने खुले दिमाग का होगा, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों से भी दकियानूसी निकला। इतनी छोटी सोच है इसकी। मैं ऐसी छोटी सोच के बंदे के साथ नहीं रह सकती, मैं घर वापस आ रही हूँ बस। क्या कह रही हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था शाजमा, के इस किस्म की कोई बात मुंह से ना निकालना वापस घर आने वाली। अगर तुम्हारे अब्बू या दाइम के कान में इस बात की भिनक भी पड़ गई ना, तो कयामत आ जाएगी, समझी? और जो मुझ पे कयामत गुजर रही है उसका क्या अम्मी, मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगी यहाँ पे। ऐसा भी क्या हो गया आपने, क्यों आखिर इतनी हवास बाख्ता हो रही हो? सुभान बिल्कुल भी वैसे नहीं है अम्मी जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कम उम्र बीवी को पाकर बहुत खुश होंगे, उसके नखरे उठाएंगे, लेकिन इनको हर बात पे इतराज है कि तुमने कलर क्या पहना है, तुम बात कैसे करती हो, धीमे लहजे में बोला करो। मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊंगी इनके साथ। क्या हो गया तुम्हें शाजमा, ये भी कोई बात है ऐसे नाराज होने वाली? दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से अपनी औरत की बात में कीड़े निकालते हैं। तुमने क्या अपने अब्बू और दाइम को नहीं देखा कि वो कितना रोब जमाते? लेकिन जिशान तो ऐसा नहीं था अम्मी, उसे कभी मेरी किसी बात पे इतराज नहीं किया था। जिशान का यहाँ पर क्या जिक्र है?
मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अपनी पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी का मवाजना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही जीशान का और सुभान अहमद का मुकाबला करती नहीं तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। तुम्हारी ये बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? मुझे ना आपकी बात समझ आ रही है ना मुझे ये आदमी समझ आ रहा है। मुझे बस घर आना है। याजमा, ओ भाई और कितनी देर है? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुभान, कहीं जा रहा है तुम लोगों को? रीमा और हसन ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था लेकिन अब मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं। इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। बेवकूफी की बातें ना करो शाजमा, हर बात को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। हर बात पे वावीला करना शुरू कर देती हो। वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, इसलिए जैसा भी है और जो भी है तुम्ही को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझी तुम? अरे भाई सो गई हो क्या, जल्दी करो। सुभान अहमद की मुझसे शिकायतें करने की बजाय ना, बेहतर होगा कि जैसे सुभान अहमद तुम्हें कहते हैं तुम वैसा करो। एक बात मेरी याद रखो शाजमा, मर्द की जिद के आगे कभी अपनी जिद नहीं लड़ाई जाती। इससे घर आबाद नहीं होते, हमेशा बर्बाद होते हैं। अगर इस दफा तुम्हारा घर टूटा ना तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। और ये भी दिमाग में रखना, वापसी के रास्ते इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। सोनिया, बात करनी मुझे तुमसे, आओ बैठो। देखो सोनिया, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे कह दो, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो टूट जाते हैं। मैं जानता हूं ये शादी तुमने मजबूरी में की है। मजबूरी? मजबूरी तो आपकी भी थी। आपने कौन सा ये रिश्ता अपनी खुशी से बनाया था? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस रिश्ते को ओन करती हूँ और इसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सीशान, मुझे आपकी साइड से कोई एफर्ट नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। आप अभी तक शाजमा के हिसार में कैद हैं। रिश्ता बनाना बहुत आसान है जीशान, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और मैं अकेले इस मुश्किल से गुजर रही हूं, लेकिन मुझे फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि मैं ये बात जानती हूं कि जबरदस्ती रिश्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसी के भी दिल में जबरदस्ती अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती। मैंने आपसे पूछना था आज की मीटिंग के हवाले से, आप फ्री हैं या भाभी के साथ कोई प्लान है आपका? नहीं, हमारा तो कोई प्लान नहीं है। मीटिंग रख लो, बस मेक श्योर कर लेना कि उनकी क्या टाइमिंग्स हैं। चलिए ठीक है,
मैं फिर पूछ के आपको दोबारा कंफर्म करता हूँ। ओके। मेरा आज सारा दिन बिजी रहेगा, देख लो। हसन का फोन था, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। अगर तुमने अपनी मामा की तरफ ड्रॉप होना है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना।